अपना क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में राकेश एंड रोशन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 40,000 एंड 30,000। दे विड्रॉल फ्रॉम द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द पर्सनल यूज। तो यहाँ पर राकेश ने कुछ अमाउंट जो निकाले हैं वो अलग अलग डेट को निकाले हैं और रोशन ने जो अमाउंट निकाला है वो एट द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ 400 रुपये निकाला है। अब इन दोनों सवालों को अगर अपन देखें तो इन सवालों से अपने को एक चीज़ पता चल रही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसमें, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कल अपन ने पढ़ा था इसको, ये दो तरीके से निकाल सकते हैं अपन। एक होती है प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि, दूसरी होती है औसत अवधि विधि या एवरेज पीरियड मेथड। अब यहाँ पर औसत अवधि विधि और गुणनफल विधि इन दोनों में डिफरेंस कल मैंने बताया था ये होता है कि एवरेज पीरियड मेथड में वो हर महीने निकालेगा और गुणनफल विधि में बिना डेट को छोड़े, यानी डेट को छोड़ देगा, कभी निकाला कभी नहीं निकाला। तो यहाँ पर भी इस सवाल में राकेश और रोशन, तो पहले अपन राकेश का करते हैं और प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से सवाल करने के लिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखूँगा, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। और यहाँ पर एक टेबल बनेगी फिर इसकी, तो यहाँ मैं टेबल में वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले अपन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट के लिए वही कल वाला तरीका, टेबल बनेगी। टेबल में अपन चार कॉलम लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने डाला था ईयर, फिर डाला था अपन ने अमाउंट, फिर अपन ने यहाँ लिखा था मंथ, और यह लिखेंगे प्रोडक्ट या गुणनफल। अब अपन सवाल में देखते हैं यहाँ पर, तो सवाल में सबसे पहले डेट दे रखी है 31 मई, तो ये 31 मई पाँचवा महीना, फिर जून 30 जून, तो 30/6/2016, फिर दे रखा है 31 अगस्त, अगस्त आठवां महीना, तो 31/8/2016,